एक ऐसी अभिनेत्री जिन्होंने अपनी माँ के दर्द भरे सपनों को सच कर दिया और अपनी काबिलियत के दम पर बॉलीवुड में सफलता के झंडे गाड़ दिए। वो युवती जो दो पीढ़ियों से चली आ रही कोठे की बदनाम जिंदगी से निकलकर फिल्म इंडस्ट्री के सबसे सम्मानित परिवार कहे जाने वाले कपूर खानदान की बहू बन गई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि क्यों इन्होंने महज 22 साल की उम्र में ही सफलता के शिखर पर चल रहे अपने बॉलीवुड करियर को अचानक अलविदा कह दिया? एक तो चोरी करता है, ऊपर से करतब दिखाता है, ये तेरे बाप का भाग है। और क्या आप यकीन करेंगे कि इस सुपरस्टार अभिनेत्री की नानी को महज 10 साल की उम्र में ही उनके एक सगे रिश्तेदार ने एक कोठे पर बेच दिया, और जब सालों बाद वो वहाँ से भाग निकली तो एक नवाब ने पकड़कर अपनी दूसरी औरत बनाकर रखा, और जब वहाँ से भाग निकली तो वापस एक सेठ ने पकड़कर एक दूसरे कोठे पर बेच दिया। मेरे मामा मामी एक बूढ़े के हाथ मुझे 50,000 में बेच रहे थे, बोली लगाकर मेरी कीमत वसूल की जा रही थी। आज तक उन्होंने मुझ पर जितना खर्चा किया वो इस तरह वसूल करना चाहते थे। तो कौन थी ये अदाकारा और क्यों इतनी विवादित और उलझी रही इनकी माँ और इनकी नानी की जिंदगी, बताएंगे और भी बहुत कुछ। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रत्युष पांडे और आप देख रहे हैं बेबाक बॉलीवुड, जहां हम फिल्मी हस्तियों की जिंदगी के अनसुने किस्से पूरे रिसर्च के साथ बेबाकी से प्रस्तुत करते हैं। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं 70 के दशक की मशहूर अभिनेत्री नीतू सिंह की, जिनकी खूबसूरती और अदाकारी ने दर्शकों को इनका दीवाना बना दिया था। इससे पहले कि हम नीतू सिंह की फिल्मोग्राफी और पर्सनल लाइफ की चर्चा करें, आपको कहानी में थोड़ा पीछे लेकर चलते हैं, जिससे आप ये समझ सकें कि नीतू सिंह का कैसे फिल्मों में आना हुआ। बात तकरीबन 100 साल पुरानी है। पंजाब के एक छोटे से गांव में एक पंजाबी परिवार में एक लड़की जन्म लेती है। माँ बाप उसका नाम हरजीत कौर रखते हैं। बच्ची जब 10 साल की होती है तभी उसके माँ बाप दोनों का अंतकाल हो जाता है, और बच्ची के पालन पोषण की जिम्मेदारी उसके सबसे करीबी रिश्तेदार उसके चाचा चाची उठा लेते हैं। पहले से ही हरजीत की संपत्ति पर गिद्ध की तरह नजर गड़ाए उसके चाचा चाची एक दो साल तक तो उसे प्रताड़ित करते हैं, घर के काम कराते हैं, और जब फिर भी दिल नहीं भरता तो उस मासूम बच्ची को पंजाब से दिल्ली ले जाकर एक कोठे पर नीलाम कर देते हैं। कोठा जहाँ की रवायत से शायद ही कोई महरूम हो। अपने ही चाचा की हैवानियत का शिकार हुई हरजीत अब रोज कोठे की दरिंदगी का शिकार होने लगती है। खैर, वक्त बीतता है और 18 साल की होने के बाद एक दिन हरजीत वहां से भाग निकलने में कामयाब हो जाती है। दिल्ली की एक सुनसान सड़क पर भटक रही हरजीत को वहां से गुजर रहा एक शख्स अपनी गाड़ी में बैठा ले जाता है। बताया जाता है कि ये शख्स लखनऊ का एक मशहूर नवाब अमीनुल्ला शेख था। शादीशुदा और बाल बच्चेदार नवाब 18 साल की खूबसूरत हरजीत को अपने साथ रखने लगता है। नागवार गुजरने के बावजूद नवाब की बेगम और हरजीत इसे अपना मुकद्दर मान लेते हैं। कुछ ही सालों में नवाब की मौत हो जाती है, जिसके बाद उसकी बीवी हरजीत को घर से निकाल देती है। एक बार फिर सड़क पर भटकती हरजीत को लखनऊ का एक दूसरा रईस सेठ जमाल खां मदद का आश्वासन देकर अपने साथ ले जाता है और ले जाकर लखनऊ के एक कोठे पर बेच देता है। कोठे से भागने वाली हरजीत अपनी किस्मत से नहीं भाग पाती और एक बार फिर से कोठे पर जा पहुंचती है। हालांकि इस बार उसे कोठे के ही दलाल फतेह सिंह से प्यार हो जाता है। कुछ सालों बाद दोनों शादी कर लेते हैं, हालांकि हरजीत को कोठे पर बेचना जारी रखा जाता है। कुछ सालों बाद इन्हें एक बेटी होती है जिसका नाम राजी सिंह रखा जाता है। महज 14 साल की होते ही राजी सिंह को भी उसी कोठे पर धंधे में उतार दिया जाता है। वक्त बीतता है और 22 साल की हो चुकी राजी दिल में हीरोइन बनने की चाहत लिए उस कोठे से भागकर दिल्ली जा पहुंचती है। गुजारे के लिए वो एक मील में काम करना शुरू करती है और कुछ समय बाद मील के सुपरवाइजर दर्शन सिंह के साथ राजी की शादी हो जाती है। शादी के एक साल बाद दर्शन और राजी के घर एक बच्ची जन्म लेती है, जिसका नाम हरमीत कौर रखा जाता है। ये खूबसूरत बच्ची हरमीत आगे चलकर नीतू सिंह के नाम से जानी जाती है। खैर, अभिनेत्री बनने का सपना लिए राजी पति दर्शन और बेटी हरमीत के साथ दिल्ली से मुंबई शिफ्ट हो गई। मुंबई में सालों डायरेक्टर्स और प्रोडक्शन हाउसेस
जिसके चक्कर काटने के बाद भी जब काम नहीं मिला तो राजी ने अपनी बेटी हरमीत को लॉन्च करने का सोचा। खूबसूरत और मासूम हरमीत को काम मिलने में ज्यादा दिक्कत नहीं हुई और पी प्रकाश राव के निर्देशन में बन रही राजश्री प्रोडक्शन की 1966 में आई फिल्म सूरज के लिए हरमीत कौर को बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट सिलेक्ट कर लिया गया और बॉलीवुड में 8 साल की हरमीत को बेबी सोनिया के नाम से इंट्रोड्यूस कर दिया गया। गीता, बाबा, क्या बात है गीता? बाबा, वो देखो प्रताप भैया। फिल्म सुपरहिट रही और बेबी सोनिया के रोल को भी पसंद किया गया। इसके बाद 1966 में ही आई 10 लाख, 1968 में आई दो दुनी चार और दो कलियां, 1969 में आई वारिस और 1970 में आई फिल्म घर घर की कहानी और पवित्र पापी में बेबी सोनिया की एक्टिंग को दर्शकों ने खूब सराहा और इनमें से ज्यादातर फिल्में भी सुपरहिट साबित हुई। मुर्गा मुर्गी प्यार से देखे नन्हा चूजा। खैर, बाल कलाकार की छवि तोड़ने के लिए राजी ने हरमीत की फिल्मों पर रोक लगा दिया और 3 साल बाद हरमीत का नाम बदलकर नीतू सिंह रख दिया। नीतू को फिल्म डायरेक्टर के शंकर ने 1973 में आई फिल्म रिक्शावाला के लिए रणधीर कपूर के ऑपोजिट साइन कर लिया, हालांकि ये फिल्म फ्लॉप हो गई। राजी सिंह डर गई कि कहीं उनकी बेटी पर फ्लॉप हीरोइन का ठप्पा लगाकर बॉलीवुड से बाहर न कर दिया जाए। इसी सोच के साथ राजी ने नीतू सिंह का एक बोल्ड फोटोशूट कराया। इस फोटोशूट ने फिल्मी गलियारों में तहलका मचा दिया और नीतू के पास फिल्मों की लाइन लग गई। 1973 में ही नीतू सिंह की दूसरी फिल्म यादों की बारात रिलीज हुई। नासिर हुसैन डायरेक्टेड ये मल्टी स्टारर फिल्म सुपरहिट साबित हुई और नीतू सिंह का करियर भी ट्रैक पर दौड़ने लगा। इसके बाद 1974 में नीतू सिंह को शतरंज के मोहरे, आशियाना, जहरीला इंसान और हवस में काम करने का मौका मिला। कल रात उसने सपने में मुझको छेड़ा। 1975 में नीतू की 5 फिल्में रिलीज हुई जिनमें खेल खेल में, रकफू चक्कर और दीवार सुपरहिट रही और नीतू की अभिनय की भी खूब सराहना हुई। फिल्म खेल खेल में इन्होंने ऋषि कपूर के साथ काम किया था और ऐसा कहा जाता है कि यहीं से इनकी प्रेम कहानी की भी शुरुआत हो गई थी। खुल्लम खुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों। खेल खेल के बाद फिल्म रफू चक्कर भी सुपरहिट रही जिसमें ऋषि कपूर के साथ इनकी जोड़ी को एक बार फिर से खूब पसंद किया गया। इसके बाद इन्हें अमिताभ बच्चन और संजीव कुमार स्टारर फिल्म दीवार में काम करने का मौका मिला। फिल्म ब्लॉकबस्टर हिट रही और नीतू के रोल की भी खूब प्रशंसा हुई। एक के बाद एक हिट फिल्में देकर नीतू सिंह टॉप की एक्ट्रेसेस की लिस्ट में शुमार की जाने लगी। 1976 में नीतू फिल्म शराफत छोड़ दी मैंने, शंकर दादा, कभी कभी, महाचोर और भला मानुष जैसी फिल्मों में नजर आईं, जिसमें ऋषि कपूर के ऑपोजिट इनकी फिल्म कभी कभी ने बॉक्स ऑफिस पर सफलता के झंडे गाड़ दिए थे। में आई फिल्म ढोंगी, अदालत, धर्मवीर, अमर अकबर एंथोनी, परवरिश, प्रियतमा, आंदोलन, कस्मे वादे और दूसरा आदमी सहित नीतू की कुल 11 फिल्में रिलीज हुईं। फिल्म ढोंगी में रणधीर कपूर, अदालत और परवरिश में अमिताभ बच्चन, धर्मवीर में जितेंद्र और फिल्म अमर अकबर एंथोनी और दूसरा आदमी में ऋषि कपूर के ऑपोजिट नीतू ने अपनी नेचुरल और चुलबुली एक्टिंग से सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। नीतू की हिट फिल्मों का सिलसिला जारी रहा और 1978 में आई कस्मे वादे और हीरा लाल पन्ना लाल भी हिट रहीं। फिर 1979 में आई द ग्रेट गैम्बलर, आतिश, काला पत्थर, जानी दुश्मन और जहरीले में भी नीतू के रोल को खूब पसंद किया गया। इसके बाद 1980 में आई द बर्निंग ट्रेन और 1981 में आई याराना में भी नीतू के अभिनय को दर्शकों ने खूब सराहा।
नीतू की बदौलत ही इनकी माँ के भी फिल्मों में काम करने का सपना पूरा हो गया। अमिताभ बच्चन स्टारर फिल्म कभी कभी और द ग्रेट गैम्बलर में जहाँ नीतू की माँ को छोटे रोल्स करते देखा गया, तो वहीं कुछ फिल्मों में कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग का भी मौका मिला। हालांकि सुपरस्टार अभिनेत्री बन चुकी नीतू सिंह ने तभी एक ऐसा फैसला लिया जिससे इनकी माँ भी हैरान रह गईं। दरअसल नीतू उस दौर के सबसे सफल अभिनेताओं में से एक रहे ऋषि कपूर को दिल दे बैठी थीं। बताया जाता है कि दोनों की ऑन स्क्रीन जोड़ी को लोगों का खूब प्यार मिला और 1975 में आई फिल्म खेल खेल की शूटिंग के दौरान दोनों की ऑफ स्क्रीन जोड़ी को भी स्पॉट किया जाने लगा था। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो जब नीतू की माँ को ऋषि कपूर के साथ अपनी बेटी के अफेयर के बारे में पता चला तो उन्होंने जमकर नीतू की धुलाई कर दी थी। बताया जाता है कि उनकी माँ ने कोठे पर बहुत ही कठोर दिन देखे थे और वो नहीं चाहती थीं कि इतने त्याग और परिश्रम से कमाई हुई शोहरत को किसी प्रकार का ठेस लगे। कहा जाता है कि कहीं ना कहीं उन्हें ये भी डर था कि शादी के बाद नीतू उनसे दूर हो जाएंगी, वो अकेली रह जाएंगी और शायद फिर से उन्हें फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना भी करना पड़ेगा। खैर, नीतू की माँ का गुस्सा ठंडा होने के बाद नीतू ने अपनी माँ को खूब समझाया। ये बात भी किसी से छिपी नहीं थी कि कपूर खानदान का क्या रुतबा था और उस परिवार में शादी होना भी एक प्रतिष्ठित उपलब्धि मानी जाती थी। बावजूद इसके पहले तो नीतू की माँ इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन कहा जाता है कि जब ऋषि कपूर ने उन्हें ये आश्वासन दिया कि नीतू के साथ वो उनकी माँ को भी अपने घर ले जाएंगे और शादी के बाद सब साथ में रहेंगे, तो आखिरकार वो मान गई। 22 जनवरी 1980 को नीतू सिंह और ऋषि कपूर ने शादी कर ली। शादी के बाद नीतू ने कपूर खानदान की दूसरी बहुओं की तरह ही बॉलीवुड से रिश्ता तोड़ लिया। हालांकि नीतू ने यह भी कहा कि उन्होंने ऐसा किसी के दबाव में नहीं बल्कि अपनी मर्जी से किया है। नीतू की माँ भी इनके साथ ही रहीं और नीतू और ऋषि दोनों ने उनका ध्यान भी रखा। खैर, शादी के बाद नीतू सिंह ने बेटी रिद्धिमा और बेटे रणवीर को जन्म दिया। रिद्धिमा आगे चलकर एक फैशन डिजाइनर बनी तो वहीं रणवीर कपूर ने बॉलीवुड में एक सक्सेसफुल एक्टर के रूप में खुद को स्थापित किया। केसरिया तेरा इश्क है पिया, रंग जाऊं जो मैं। सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन साल 2020 में अपनी बीमारी से लड़ते हुए ऋषि कपूर का न्यूयॉर्क के एक हॉस्पिटल में देहांत हो गया। हालांकि ऋषि कपूर के निधन के 2 साल बाद इस परिवार में फिर से खुशियां लौटी और रणबीर ने महेश भट्ट की बेटी एक्ट्रेस आलिया भट्ट से शादी कर ली। रणबीर और आलिया को 2022 में एक बेटी हुई, यानी नीतू अब दादी भी बन चुकी हैं। नीतू के करियर की सेकेंड इनिंग की बात करें तो इन्होंने ज्यादातर छोटे और सपोर्टिंग रोल्स ही किए, जिसमें 2009 में आई लव आजकल, 2010 में आई दो दुनी चार, 2012 में आई जब तक है जान, 2013 में आई बेशरम और 2022 में आई फिल्म जुग जुग जियो शामिल रही। लड़की डेस्परेट है, प्रेशर बना, प्रेशर 10-15,000 तो ढीले कर देगी। 2022 में इन्हें टीवी शो डांस दीवाने जूनियर्स में जज की भूमिका निभाते भी देखा गया। हाल की बात करें तो नीतू अपने परिवार के साथ अपनी लाइफ एंजॉय करते नजर आती हैं। ये अपने फैंस से सोशल मीडिया के जरिए कनेक्टेड रहती हैं और फिल्मी अंदाज में ट्रेंडिंग पोज भी देते नजर आती हैं। हिंदी सिनेमा इतिहास में नीतू सिंह के योगदान को हमेशा याद रखा जाएगा। बेबाक बॉलीवुड की टीम की तरफ से नीतू को उनके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स और खुशहाल जिंदगी के लिए ढेरों शुभकामनाएं। जैसा मिले अकर भी इंटू कच्च, अंग्रेजी म्यूजिक में दे दे तू पंजाबी। तो दोस्तों, आपको आज का हमारा नीतू सिंह स्पेशल वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही अगर आपके पास नीतू से जुड़ी कोई इंटरेस्टिंग जानकारी हो तो वो भी हमारे साथ जरूर शेयर करें। बॉलीवुड की किसी बेबाक स्टोरी के साथ अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।